डॉक्टर्स कॉन्क्लेव प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर से रूबरू करवा दें। सीएम अशोक गहलोत ओपन बैठक करेंगे। सीएम अशोक गहलोत शाम 5:30 बजे ये ओपन बैठक करेंगे। धर्मगुरु और साथ ही विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ वो इस बैठक के माध्यम से चर्चा करेंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी संवाद होगा और संवाद के जरिए स्थिति को जानने की कोशिश की जाएगी कि आगे आखिर क्या किया जाए। प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति को लेकर जानकारी दी जाएगी और साथ ही विशेषज्ञों की राय भी जनता के सामने इस खुले मंच पर रखी जाएगी। इसके बाद प्रदेश हित में कुछ सख्त फैसले ले सकते हैं सीएम अशोक गहलोत। इसकी पूरी संभावना है कि लॉकडाउन का फैसला सीएम अशोक गहलोत ले सकते हैं। और अब ये ओपन जो बैठक है वो शाम 5:30 बजे होगी। सहयोगी नरेश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिये ये बैठक होगी, सभी राजनीतिक दलों इसमें बैठेंगे, धर्मगुरु भी बैठेंगे और जनता के सामने इस खुले मंच पर यह जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इस स्थिति के बाद क्या किया जाए प्रदेश में और क्या संभावना है कि लॉकडाउन लग सकता है। देखिए, आज जो 3.5 घंटे तक मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, उस मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्री ने साफ ये राय दी है कि पड़ोसी राज्य जैसी हालत राजस्थान में नहीं होनी चाहिए और इसके लिए सरकार जो भी कड़े कदम उठाए उसके लिए सभी मंत्री सरकार के साथ है, पूरा मंत्रिमंडल एकजुट है और सरकार का जो फैसला होगा उसको लागू करेंगे। तो लगभग हम ये माने कि सरकार का जो फैसला है वो लगभग तय हो चुका है। अब सिर्फ उस फैसले के अनुसार जो है अपनी बात एक बार फिर से, जो 5:30 बजे बैठक होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसमें धर्म गुरु भी जुड़ेंगे, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी रहेंगे, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि रहेंगे और इसके अलावा कर्मचारी संगठन और औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से जुड़ेंगे। बड़ी बात यह कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को ओपन रखा गया है ताकि जो भी बात हो वो खुले मंच पे हो और पूरी जनता को पता लगे जी कि प्रदेश की स्थिति क्या है, लोग क्या सोचते हैं, लोगों की क्या राय है, किस तरह से इस कोविड से बचा जा सकता है। और उसके बाद 7:30 बजे जब मीडिया से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बात करेंगे तो सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी है। जो इनपुट मिले हैं उसके अनुसार सभी ने एकजुटता से कहा है कि लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन इस लॉकडाउन का तरीका क्या हो, क्या पूरे प्रदेश में हो या उन शहरों में हो जहां संक्रमण सबसे ज्यादा है और बाकी शहरों में जो कर्फ्यू है उसकी मियार बढ़ाई जाए, ये कई जो चीजें हैं वो आई हैं। लेकिन ये फैसला कोर ग्रुप करेगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे, गृह और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से राय करके करेंगे कि कौन सी स्थिति बेहतर होगी। नरेश, हालांकि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा ये 5:30 की जो बैठक होगी उसके बाद सीएम अशोक गहलोत रूबरू होंगे मीडिया से, उसमें साफ हो जाएगा। लेकिन जो अभी अभी एक आंकड़ा आया है और वो डराने वाला है, 42 लोगों की मौत हो गई प्रदेश में और साथ ही आज का आंकड़ा और भी भयावह है। कल 9,000 के पार था, आज 10,000 के पार पहुंच चुके हैं प्रदेश में 24 घंटे के जो आंकड़े हैं, तो क्या मान लिया जाए? कल तो कर्फ्यू भी था और अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी हमने दिखाई, लोग घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन बावजूद इसके आंकड़ा बढ़ गया। देखिए बिल्कुल, जो विशेषज्ञों की राय थी वो यही थी कि 2 दिन के कर्फ्यू से स्थिति संभलने वाली नहीं है। जो स्टडी बताती है, चाहे विदेश की बात करें, स्टडी ये बताती है कि कम से कम 2 सप्ताह तक ऐसी सख्ताई की जरूरत है, इस तरह के लॉकडाउन की जरूरत है जिसमें लोगों की हलचल बिल्कुल कम हो, न्यूनतम हो आवश्यक सेवाओं के अलावा, तभी स्थिति नियंत्रण में हो सकती है। सिर्फ वीकेंड के कर्फ्यू से स्थिति नियंत्रण में हो ये संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना लगातार फैल रहा है, जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, चाहे राजधानी जयपुर की बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।